This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिजनेस लंच में आज हम बात करने आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम यूथ की बात करने आए हैं, हम बच्चों की बात करने आए हैं। लेकिन जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की या ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं या हम बच्चों की बात करते हैं, उनकी एजुकेशन की बात करते हैं या यूथ के लिए जॉब्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो ख्याल ही आता है कि आखिर ये काम कर कौन रहा है या ये फ़राइज़ अंजाम कौन दे रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये कि हम एनजीओस को इसका क्रेडिट देते हैं। रोल ऑफ एनजीओस इन पाकिस्तान, ख़ासतौर से उसकी पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है, इस पे आज हम बात करेंगे। कहा यह भी जाता है कि जो एनजीओस हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, और इसमें कोई शक है या नहीं, इसके बारे में तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इनकी तादाद हज़ारों नहीं बल्कि अब लाखों में होती चली जा रही है, मगर बहरहाल ये भी सवाल आता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनमें। ये एक तरफ से बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, उनकी राइट्स की बात तो करते हैं, यूथ की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, मगर इसमें कहीं कहीं हकीकत भी नज़र नहीं आती। ये सवाल लोगों के जहनों में है और किस वजह से, वो भी हम आज आपको बताएँगे। मगर दूसरा सवाल ये कि ये जो एनजीओज़ हैं वो किस तरह अपना किरदार खुश असलूबी से निभा रही हैं और क्या फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, ये आज का सवाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जो हमारी गेस्ट हैं वो उसके जवाब देंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा अली, को सीईओ मिशन स्माइल। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आयशा ने अब तक क्या अपनी इस एनजीओ के थ्रू जो है काम किए हैं और वो किस तरह समझ रही हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आनूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आयशा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, और ख़ास तौर से जो मैंने अभी शुरू में कहा है आप समझ गई होंगी कि मैं क्या फोकस करना चाह रही हूँ, क्या हम बात करेंगे। पहले तो चाहूँगी आयशा, आपको सीईओ है मिशन स्माइल, मिशन स्माइल क्या है इसके बारे में हमें बताएं, कब से आपने स्टार्ट किया, क्या आपकी अभी तक अचीवमेंट्स हैं? मिशन स्माइल, जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक स्माइल का हमारा मिशन था बच्चों औरतों के लिए जो महरूमी का शिकार रहे हैं, खासकर हमारे सिंध प्रोविजन की जो रूरल एरियाज़ में है, उन बच्चों के फेसेस पे जो वो पढ़ नहीं सकते हैं, जो बुक्स की उनकी कमियां हैं, कुछ कपड़ों की कमियां हैं, वुमेंस की कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि जल्दी शादी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और माशाल्लाह से मैं 2 साल से हम लोग की टीम काम कर रही है और सिंध प्रोविजन को हमने पूरा हाईलाइट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम तकरीबन 32% जो हमारा रेशियो है, पॉपुलेशन है अर्बन रूलर्स का, इसमें तकरीबन 2% को तो हम खुशियां दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आयशा, ये जब आप ये काम करना आपने शुरू किया, क्या आपने कहा कि 2 साल आपको हुए और आपने कोशिश की कि जो बच्चे हैं और ख़वातीन जो अगर शिकार हैं महरूमी का किसी चीज़ से, उनको खुशी, मिशन स्माइल यानी कि आपका मिशन है कि उनको खुशी देना, उनको चेहरों पर मुस्कुराहटें लेके आना, मगर इसमें आप नहीं समझती कि जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको कोई हर्डल्स आती हैं या कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो आपको फेस, खासतौर से रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, उसके लिए आप क्या कौन सी टिप्स हैं ऐसी जो लेके जाती हैं आपके साथ, और कौन कौन शामिल है, आपके कितने मेम्बर्स हैं इस मिशन स्माइल के? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये परेशानियाँ आती हैं, मगर जब आप अपने इरादों पर डटे रहें और कुछ अच्छा करने का सोचें तो ज़रूर होता है। हमारे साथ कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसी साथ होती हैं, इंटरनेशनल फर्म्स हमारी फंडिंग करती हैं, लेकिन साथ हमारे एडवोकेट होते हैं ताकि वहाँ पे कुछ वडेरों का मसाइल होते हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं, जब हम इन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हमारी ख़वातीन को कुछ ज़्यादा आप अवेयरनेस दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो एडवोकेट होते हैं, हमारी एक टीम पूरी हायरार्की है, उसमें मैनेजमेंट टीम होती है, एडवोकेट होते हैं, फर्दर हमारी मैनेजमेंट होती है जो इन सारे सर्कमटेंसेस को, हालात को संभाल लेती है। लेकिन हमारे साथ गुड लकली ये रहा है कि हम जाते ही जिस इलाके में काम करने जाते हैं पहले वहाँ की जो पंचायत होती है पहले उनको जाके डिस्कस करते हैं, उनसे परमिट लेते हैं और उनको अपने विजन्स बताते हैं। और जहाँ मैंने सुना है कि वो लोग बहुत इसमें कहना कि आपको चाहते हैं कि वो ना आए, आप लोग वहाँ काम ना करें, उनको पहले कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, और उनको कन्विंस करने का यही तरीका है कि अगर आपके पॉजिटिव विजन्स हैं आप उन तक डिलीवर करें, ठीक है कुछ जगह प्रॉब्लम्स भी आई, ठीक है मैं वो डिस्कस करूँगी, आती हैं हर जगह प्रॉब्लम्स,
लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा हाँ। क्योंकि ज्यादा हमारी कोशिश रही कि हम बच्चों को तालीम बच्चों को फोकस किया जी हाँ, बिल्कुल बच्चों को फोकस किया। और तो किस किस्म की आयशा प्रॉब्लम्स आईं जो अब ये मैं कहूँ कि जब आपने स्टार्ट किया और आपने फोकस करना शुरू किया रूरल एरियाज को, वहाँ जाके सबसे पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपने फेस किया, और उसके साथ साथ अभी तक कौन सी प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि उसको आगे भी चल के फेस करना है लेकिन उससे घबराना नहीं है? देखिए हमारे यहाँ हर औरत बाहर काम करने नहीं आती, ठीक है, हमारी फीमेल हायरार्की में 4-5 फीमेल्स होती हैं। अब मेल्स को उनको प्रॉब्लम होती है कि अगर एक पूरा कंपेनियन आ रही है तो उनके मेल्स ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप उन्हें अवेट करें कि हमारी फीमेल सेक्शन आपको अवेट करेंगी तो वो मान जाते हैं। कुछ जगह पे बहुत ही वो कहते हैं ना, आप बहुत हार्ड किस्म के लोग भी होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते, लेकिन हालात का सामना करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है कि अच्छा हमारा मिशन इस्माइल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसमें हमारी करियर काउंसलिंग चल रही है, कुछ लड़कियां हैं जो मैट्रिक करके छोड़ देती हैं, फिर हम उनको अवेयर करते हैं कि नहीं आप आगे तालीम लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत हुनरमंद हैं और वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट को होममेड प्रोडक्ट को बाहर लेकर आते हैं। अच्छा आयशा, अभी आपने आपके बात से मुझे अंदाज़ा हुआ, आपने कहा कि लड़कियाँ अक्सर तालीम अधूरी छोड़ देती हैं, उसकी रीज़न असल में ये भी होती है कि एक तो वो घर से बाहर निकलने की उन्हें परमिशन नहीं होती कि कॉलेज लेवल पर वो जाएँ और तालीम हासिल करें, और दूसरे कुछ फाइनेंशली भी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने नोट किया होगा कि आप लोग उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल विलिंग हो के वही एडमिशन लेना चाहता है आगे कॉलेज में और नहीं वो बैठे हुए घर पे और अभी कोई देख रहा है इस वक्त मेरा प्रोग्राम, तो उससे अंदाजा हो सकता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो किस तरह आप तक पहुंचे? हम लोग स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम से दें, हमें हमारी साइट से उन पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं उन पर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम स्कॉलरशिप देते हैं कराची यूनिवर्सिटीज़ में, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी जहाँ पर वो अपना विलिंग कर सकती हैं स्कॉलरशिप बेस पर हम उनके एडमिशन्स करवाते हैं। इनफैक्ट हमने बहुत छोटे छोटे स्कूल्स इंटीरियर साइड पर खोले हुए हैं जो वहाँ की एडमिन्स को दिए हुए हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी सेक्शन को। तो स्कूल जब आपने खोले तो उसके लिए आपको बकायदा स्टाफ भी हायर करना नहीं, पड़ा होगा? जिन एरियाज में हमने खोले हैं वहाँ के खुद के जो कुछ अच्छे लोग होते हैं उनको हमने अवेड किया और उन्हें वेन्यू देकर उन्हीं को उसकी एडमिन संभाल के दी, और माशाल्लाह आज वो बहुत खुश हैं। लुक आफ्टर जो है आप लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं जी। अब वही बात आ जाती है जब हम एनजीओस का जिक्र करते हैं, हमारे नाज़रीन भी इसको जानते हैं कि एनजीओस का जब जिक्र आता है तो लोगों के जहन में वो सवाल जो मैंने अभी शुरू में छोड़ा कि एनजीओस जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती है, वो एनजीओ के नाम पे फंडिंग उन्हें बहुत आती है, उन्हें सपोर्ट बहुत लोग करते हैं, ये सब सामने आते हैं। आपके जहन में भी यकीनन ये बात आती होगी, जब आपने इसको स्टार्ट किया तो आपने फंडिंग कैसे स्टार्ट की और अभी आपको कौन है जो इस वक्त जो है आप लोगों के साथ काम कर रहा है, क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट है आप लोगों को? हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है बट गवर्नमेंट के परमिशंस हैं, हम लोग माशाल्लाह से मेंटेन है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, पेंडेंट किया है। ऑब्वियसली फाइनेंशियली नहीं इतनी सारी एनजीओस नहीं कर पाते, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे जो ऑन गवर्नमेंट सीट्स पे बैठे हुए हैं, दे आर फंडिंग, हमारी कुछ बैंड्स होती हैं, दे आर फंडिंग फॉर देम, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, वो हमारा काम देखते हैं, वो आते हैं यहाँ पर लाइव, मतलब हमारी जो चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं उस पर इन्वाइटेड होते हैं, उसको देख के उसको फंडिंग करते हैं। सही, चैरिटी प्रोग्राम्स करते हैं इसके जी, लिए जी बिल्कुल चैरिटी प्रोग्राम्स करते हैं, मैं खुद इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती हूँ, उन बच्चों के लिए कंसर्ट्स करवाती हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहते हैं हम लोग उनके लिए। अच्छा, आपने अभी मुझे प्रोग्राम से पहले जिक्र किया था ऑर्फन्स जो है उनके लिए आप काफ़ी आपने काम किया है, कितनी क्या उनके लिए कोई अलग स्कूल है या कोई अलग से प्रोग्राम शुरू किया है? ऑर्फन्स का ना हम लोगों ने सर्वे किया, जो यतीम बच्चों के इदारे हैं वहाँ पर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, वहाँ पे जो फंडिंग हम लोग या दूसरे लोग देते हैं वो उन तक पहुँचती नहीं है। हमने इस चीज़ पर काम किया, हम वहाँ अंदर गए, एडमिन से डिस्कस किया, बच्चों से बातचीत की, और जब पता लगा उन बच्चों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही जो इदारे बाहर बता रहे हैं, हमने उन्हें डायरेक्ट हेल्प किया, उनको डायरेक्ट बुक्स प्रोवाइड की, उनको ड्रेसेस प्रोवाइड किए, गवर्नमेंट से उनके लिए आवाज़ उठाई। इख्तलाफ नहीं हुआ उन एनजीओस को या उन इदारों को जो ऑर्फन्स को ऑलरेडी देख रहे थे, उनकी केयर कर रहे थे, तो उनको आपसे इख्तलाफ नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ, और फिर आपने कैसे सामना करना पड़ता है, लॉज के थ्रू भी करना पड़ता है, आप अपने डीसीओ साहब को भी मिलाते हैं काफी, मैंने तो लोगों को बहुत ज्यादा रियलिटीज दिखाई है, और अगर एडमिन आपके साथ हो, हमारी गवर्नमेंट साथ हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं, कुछ तो बिल्कुल एंट्री नहीं देते, इनफैक्ट एक दारुल अतफाल ने तो गेट ही नहीं खोला बिकॉज दे नो कि यहाँ एक सर्वे है और वो हमारे बच्चों को
क्वेश्चंस करेगा। तो बकायदा डोर टू डोर जाके आपने सर्वे किए इनके इसके लिए? एग्जैक्टली, जितने इदारे थे हमने उसकी लिस्ट ऑन किया, उसको टिक मार्क किया कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ उन बच्चों तक फैसिलिटीज पहुँच रही है, जिन जगहों पर फैसिलिटीज नहीं पहुँच रही थी वहाँ पर जाके हमने उनके लिए काम किया। उनके लिए चैरिटी इवेंट्स प्रोग्राम्स बनाए कि डायरेक्ट आप उन पर इन्वेस्ट करें, एक बच्चे पर आप डायरेक्ट फंडिंग करें। सही। अच्छा आयशा हमारे साथ हैं आज। हम नाज़रीन को ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपके जहन में सवाल है, ख़ासतौर से ये जो मैं लेकर बैठी हूँ आपको, तो उसमें मैंने ये जानना चाहा है आपसे कि फंडिंग कहाँ से होती है। लेकिन आपने कहा कि आपने चैरिटी प्रोग्राम्स इसके करती हैं और इस तरह आप लोग जो हैं मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो आपको फंड्स देते हैं जिसके थ्रू आप इनके लिए काम करती हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी ऑलरेडी कोई इदारा ऑर्फेंस के लिए काम कर रहा है या ख्वातीन के लिए काम कर रहा है, उसके आप जाके उनके वो डायरेक्ट जाके हिट करें और उनके लिए काम करें, ये खतरनाक भी है वैसे थोड़ा, क्योंकि इसमें जहाँ एनजीओस का नाम आता है तो उसमें ये चीज़ भी, इससे भी आप एग्री करेंगी सुकाशा, हमारे जहन में कि बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और वर्कशॉप्स होती हैं और ये सिर्फ दिखावा होता है, फंडिंग इसके थ्रू जो है ली जाती है और उसे सही जगह पे खर्च नहीं करते। जिस तरह आपने भी अभी एग्री किया कि आपने ये देखा, चलें माना आपने ये देखा, ये सब आपने फेस किया, मगर ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आप फेस कर रही हैं इस अपने स्माइल मिशन को लेते हुए? देखिए चैलेंजेस हमें ज़्यादातर होते हैं, लोग अवेयर नहीं हैं। अगर हम कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम देने जाते हैं उनको पहले बड़ों को बहुत समझाना पड़ता है, गवर्नमेंट को तो हम आप साइड पे रख देते हैं, सॉरी, क्योंकि गवर्नमेंट हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, हम एक साइड पे रखते हैं, बिल्कुल आप सही कहा, लेकिन प्राइवेट जो एनजीओस काम कर रही हैं फिर आप उनके थ्रू जो है आगे जा रही हैं, तो क्या लोगों का रिस्पांस क्या होता है? लोग बहुत नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन एसएसपी साहब हमारे जो, जिस तरह मैंने अभी कहा कि वो तो समझते हैं बस एनजीओ नाम के लिए होती हैं, लेकिन शुक्र है हमारे साथ मिशन स्माइल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि नाम के लिए होती हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फंडिंग आती है और वो फंडिंग का 10% उन तक जाते हैं और 90% उनकी पॉकेट्स में जाते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कितने प्रोग्राम्स इशू किए मेरे पास आई विटनेस के साथ हैं कि उन तक वो फंडिंग ही नहीं गई है, करोड़ों अरबों रुपए की, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। हम तो चले बहुत छोटी छोटी खुशियां बांटने वाले लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो है वो, ये माफिया चल रहा है हमारे एनजीओ के थ्रू, लेकिन हमें जो चैलेंजेस, यही बात मैंने आपसे की कि लोग बहुत बैक बाइट कर रहे होते हैं कि ये एनजीओ है, लेकिन आप अगर अपने काम पर परसिस्टेंट है, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको सराहते हैं, लोग आपको खुद इन्वाइट करते हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप हमें कॉल करते हैं, एसएसपी साहब हमारे साथ होते हैं, कराची के हो गए, दूसरे डिविजन्स के, क्योंकि हम डायरेक्ट काम इस तरह करते हैं कि हम ओनर से पहले डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि उठ गए और सारा काम कर दिया। जब आपके साथ रिलायबल चीज़ें होती हैं, लॉयल्टी से आप काम करें, तो काम बहुत अच्छा होता है। ऐसा कौन सा मेन मैं कहूँगी आपको प्रॉब्लम है आज जब आप ये काम कर रही हैं, कभी आपको ऐसा ख्याल आया इन 2 सालों में कि नहीं ये तो नहीं हो सकता और ऐसा करते हैं इसको छोड़ ही देते हैं? बिल्कुल ऐसा बहुत बार हुआ है। समटाइम्स मैंने कुछ ऐसे हालात देखे कि मुझे लगा कि यहाँ बच्चों की फंडिंग या इस चीज़ के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है वी हैव अ फंडिंग, बट हमें और फंडिंग की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक एरिया में हम लोग गए, वहाँ पे हमें एक मशीन लगवानी थी कपड़े की, छोटे-छोटे एरियाज में ना कपड़ा बनता है, उनकी मशीन होती हैं, उसकी मशीन्स के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, एंड वी डिस्कस किया, हमने कुछ ऑनर से डिस्कस किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कुछ डोनर से बात की कि नहीं ये अपना प्रॉफिट मार्जिन इनका होता है एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये चैलेंजेस समटाइम्स दिल दुखता है कि यार जहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए उनको प्रोवाइड करना चाहिए डोनेशन। सही, तो ये आपको चैलेंजेस हैं इस तरह के। Exactly. अभी आपने जिस तरह बात की कि ख्वातीन के एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत काम कर रही हैं और आगे करने की ख्वाहिश भी है, और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि इस तरह की एनजीओ हमारे सामने और भी आए, क्योंकि अभी तक जब मैं बैठती हूँ किसी भी एनजीओ को लेके या किसी भी फाउंडेशन के लोगों को लेके बैठती हूँ तो उनको इस तरह के चैलेंजेस बहुत हैं कि उनको फंडिंग उस लिहाज से नहीं होती। बात यह है कि लोग देने का तो बहुत चाहते हैं, वही बात के लोगों को ये पता हो कि हाँ ये इदारा जिसको हम इस फंडिंग कर रहे हैं वो सही उस पर है या नहीं है। अच्छा आप लोग क्या क्या इसमें वो है कि तरीका कार क्या है कि लोग अगर आपको देना चाहें आपके स्माइल मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहें तो किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं, या अगर वो लोग जो इस वक्त डिजर्व करते हैं कि वो चाहें कि आप लोगों से हेल्प लें वो किस तरह आप तक पहुँचें? वो एक्चुअली हमारी वेबसाइट है, पेज है, उसके थ्रू पहुंचते हैं, लेकिन वैसे हम तमाम एरियाज में फोकस करके वहाँ इवेंट्स करते हैं, वहाँ पे हमारी
प्रमोशंस होती है, मार्केटिंग होती है, उन तक हम अपने कॉन्टैक्ट्स भी पहुंचाते हैं, हम अपना विजन मिशन सारा उन लोगों तक अवेड करते हैं इनफैक्ट। और बल्कि जो देख रहे हैं उनको भी चाहूंगी अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आए, अगर उनकी प्रॉब्लम्स है, तालीम के इशू है, लड़की की शादी के लिए इशू है, या अगर लड़कियाँ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं कोई स्कोप ही नहीं है, कपड़े का बिजनेस नहीं, कुछ नहीं चलता, ये बस मतलब बहुत नेगलेक्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, कहीं शादी हो जाती है तो हस्बैंड भी करता है। इनफैक्ट मैं उनको अवेट करूंगी कि पाकिस्तान में अब इतना बिजनेस चल गया है कि एक फीमेल घर बैठे बहुत अर्न कर सकती है, अपने आप को मनवा सकती है, इतने आसान स्टेप्स हैं। इनफैक्ट जो अभी रिसेंट हमारा एक प्रोजेक्ट था, हमने घर घर जाकर ना लैपटॉप्स क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, हमारी गवर्नमेंट ने किए थे, कुछ फैमिलीज में थे, उनको मैंने फीमेल्स को अवेट किया कि आप ऑनलाइन बिजनेस करें क्योंकि आप घर बैठे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इसकी वर्कशॉप्स थी घर घर बैठे। अच्छा, जब आप रूरल एरियाज को हिट करती हैं तो वहाँ पे तो आप उन खवातीन को ये नहीं कर सकती कि आप लैपटॉप प्रोवाइड करें या वो इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुँचें। उधर तो अभी आपको पता है कि हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अभी तालीम ही नहीं पहुँचा सके सही इतना, तो उन खवातीन की बात तो मैं साइड पर रखती हूँ, जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या वहाँ पे करें कि स्कूल जिस तरह आपने कहा जो छोटे इलाके हैं उनके तो आपने कर दिए, लेकिन रूरल एरियाज में बच्चों तक एजुकेशन देना एक आसान काम नहीं है, जिसमें बेशक ये हमारी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस के साथ कि हम यहाँ पे जब भी बैठते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कितनी फाउंडेशंस सर्वे करें तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं, एनजीओज हैं, जिस तरह आपकी स्माइल मिशन है ये काम कर रही है, तो बच्चों तक आप किस तरह मजीद क्या आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे कि बच्चे विलिंग हैं पढ़ने में, उनके पेरेंट्स हैं कि उनको चाहते हैं कि आप लोग वहाँ जाएं उनको तालीम बिल्कुल बच्चे बहुत विलिंग है। इनफैक्ट उनको जो बुक्स दी जाती हैं वो वर्बली मतलब उसको इंग्लिश नहीं पढ़ सकते बट दे नो द थिंग्स, अगर आप उन्हें बताते हैं वो टीवी से जो कुछ कैच करते हैं, मतलब उनके अंदर एक अवेयरनेस है। और मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि हमारी वो आबादी जो इस टाइम पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रही, मतलब 32% रेशो ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नहीं है, वो उसके पास तालीम पहुंच ही नहीं पाई है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मगर वो खाली हैं, वहाँ टीचर्स नहीं हैं, वो खाली हैं बिल्कुल, तो फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम उन्हें बुक्स प्रोवाइड करते हैं, सीडीज़ प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी जगह पर हमने प्रोजेक्टर लगा कर, हमारी टीम है एक पूरी, उसमें काउंसलर्स हैं, मोटिवेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको वेट करते हैं जाकर। इनफैक्ट अगर कोई पेरेंट्स भेजने को तैयार होते हैं तो हम यहाँ के इदारों में उनके लिए एक काम करते हैं कि उनको सबमिट करें, उनको तालीम दिलवाएं। अच्छा, 2 साल में कहाँ से आपने शुरू किया था, कितनी टीम थी आपकी और आज आपकी कितनी टीम है और कितने लोग मजीद इस वक्त हैं कि आपके साथ काम करना चाहते हैं? माशाल्लाह आप तो बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत इस तरह हुई कि हमारी जो सीईओ हैं हनीशा अली, उनको शुरू से एक चैरिटी का ख्याल था, लोगों की हेल्प करने का होता था, जब उनके ब्रांड स्टार्ट हुआ और उनको एक बहुत अच्छी मतलब कह लिया फेम मिला तो उन्हें लगा कि मुझे दूसरों के लिए करना चाहिए जैसे मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और इस तरह उन्होंने तमाम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाके इस प्रोग्राम की डिस्कस की, उनको अपने साथ मिलाया, लॉयर्स को साथ मिलाया, मैं ये काम करना चाहती हूँ, डोनेशन उन्होंने फंडिंग्स किया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ऐसा ऐसा आपको पता है जब अच्छा काम करी तो फंडिंग्स भी स्टार्ट होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 लोगों ने शुरू किया था, अरे अभी हमारी 80% की वॉलंटियर्स टीम है जो परमानेंट है, और जो हमारे इवेंचुअली आते हैं वो माशाल्लाह हंड्रेड्स अबव होते हैं, और बहुत लोग अभी भी काम करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो हमारे मेंबर नहीं है बट वो काम लेकिन आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो पॉइंट मैं नोट कर रही हूँ वो कि आपने यूथ की तरफ सबसे पहले तवज्जो दी और वहाँ आप यूनिवर्सिटीज की साइट पे गईं, और मैं समझती हूँ कि यूथ सबसे पहले इस तरह की बातें समझती हो, खासतौर से जब वो पढ़ी लिखी हो और इसके बाद की उन्हें अवेयरनेस हो, यूथ के लिए भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं उनके उनके लिए आप क्या क्या ऐसा है कि उन्हें जॉब प्रोवाइड करने का कुछ तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं आप लोग कोई यूथ को? जी हाँ बिल्कुल, हम कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस में हमारे यहाँ के वो तमाम लोग जो इन यूथ तक पहुँच नहीं पाते उनको बुला के उनका लाइव शोज करवाते हैं, मतलब डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन होता है, डायलॉग एक्टिविटीज़ होती है, यूथ को जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे डिस्कस करती है, कुछ प्लेटफॉर्म्स अब ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने टैलेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए उनको कुछ पता नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटी है, 3 लोग सेलेक्ट हो गए, बाकी जो 300 स्टूडेंट्स हैं वो फेस देख रहे होते हैं कि हम कौन से स्टेज पे जाके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों का टैलेंट स्टेज पर ले कर आते हैं,
अच्छे पैमाने पे बड़े हमारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, अपने स्पीचेस हो गई, स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स हो गए, इस पर हम इन लोगों को माशाल्लाह प्राइजेस भी देते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं, इनको मीडिया साइड पर भी लेके जाते हैं। इनफैक्ट मैं मीडिया से भी बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इनके अंदर टैलेंट है और अभी काफ़ी लोग इस जगह पहुँच भी चुके हैं अपने मकाम पर, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और माशाल्लाह बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को हम बुलाते हैं अपने इवेंट्स में और डायरेक्ट डायलॉग एक्टिविटी कराते हैं। तो फिर उन पॉलिटिशियंस को ख्याल आता है कि कभी आपको सपोर्ट दी जाए और उनकी तरफ से कुछ आपको उस टाइम तो बहुत उस टाइम मिलती है उस टाइम तो बहुत सपोर्ट मिलती होती है या वाकई मिलती है सम टाइम्स वर्बली होती है और सम टाइम्स वाकई मिलती है, क्योंकि मेरे पास जितनी यूथ आती है उनमें से जो 10 लोग होते हैं 10 जो पर्सनस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गोल को अचीव करते हैं, उनके जब कमेंट्स आते हैं, उनकी मेल्स आती हैं और वो जब कहीं खड़े होते हैं किसी जगह पर तो बताते हैं कि उस पॉइंट पर आपने हमें यहाँ प्रमोट किया था एंड नाउ मैं अब ये बन चुका हूँ। और ये जो अवेयरनेस है मिशन स्माइल, ये यूथ में हमने सबसे पहले इसी तरह वेट किया, यूथ प्रोग्राम्स किए, फिर यूथ को इस तरफ लेकर आए, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे सीनियर्स हमारे साथ होते नहीं है और यूथ बहुत मोटिवेटेड है इन चीज़ों के लिए। इस पर हम मजीद बात करते हो, खासतौर से यूथ के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों के हवाले से बात की आपसे और खास ख्वातीन के हवाले से, जिस पे मैंने शुरू में कहा कि ख्वातीन के लिए काम की बातें तो बहुत करते हैं, एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन आज भी हमारी ख्वातीन उसी तरह देहातों में, शहरों में, इवन जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, किस तरह अपने सर्वाइव कर रही हैं, ये मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और आप भी। इस पर मज़ीद बात करते हैं लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे हम गए ज़रूर थे लेकिन बातें हमारी फिर भी एनजीओ से मुतालिक और उसी के बारे में हो रही थी कि एनजीओ किस क्या रोल है उनका हमारे पाकिस्तान की तरक्की में। ये आज हमारा टॉपिक भी है और हमारे साथ गेस्ट भी इसी हवाले से हैं। आयशा अली हैं, को सीईओ मिशन स्माइल, इनसे बात कर रहे हैं। मिशन स्माइल का जब वर्ड आता है तो साफ क्लियरली समझ आता है कि वो चेहरे जो इस वक्त मायूसी या उदासी का शिकार हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो मिशन स्माइल के साथ कर सकते हैं और मुस्कुराहटें उनकी वापस ला सकता है मिशन स्माइल। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ आपके मिशन स्माइल के बारे में। आयशा जी, अच्छा ब्रेक से पहले बात हो रही थी यूथ के बारे में, यूथ के लिए आपने काफ़ी जो है काम किया है, आप जिक्र भी कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं कि यूथ का जो टैलेंट प्रोग्राम है उसको किस तरह सपोर्ट करते हैं आप, जिस तरह आपने कहा कि आप लोग टैलेंट को सामने लाने के लिए बाकायदा फंक्शंस करते हैं, और इसके अलावा क्या तरीके हैं, क्या जब वो टैलेंट सामने आता है तो उनको फिर वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता भी है या बस वो आपके सामने प्रूफ करके बैठ गए? नहीं नहीं, उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हम इंटरनेशनली कांटेक्ट करते हैं तमाम बाहर की कंपनी से और हमारा एक पूरा हायरार्की जो इस पर काम कर रहा था सिस्टम, वो सीट्स जो बाहर स्कॉलरशिप के लिए होती हैं, टैलेंट के लिए होती हैं, उनकी फील्ड से बिलोंग जो भी होता है उन्हें हम बाहर तक पहुंचाते हैं। अगर पाकिस्तान मीडिया में या पाकिस्तान किसी एम्प्लॉयमेंट में किसी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री साइड जाना चाहते हैं, हम उसमें उनके लिए ऑलरेडी सर्वे करके रखते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले हम यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, चैनल्स हो गए, वहाँ जाकर हमने अपनी बात की हुई है कि ये हमारे मिशंस हैं, ये हमारे स्कॉलरशिप्स होते हैं और वो हमारा साथ भी देते हैं। चलें गुड, ये तो अच्छी बात है कि साथ देते हैं, लेकिन जिस तरह आपने जब मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिशियंस जब आपके प्रोग्राम्स में आते हैं और उनको आप एज ए गेस्ट बुलाते होंगे तो वो आपको यकीनन दावे और वादे करके तो जाते हैं, तो क्या आपको प्रोवाइड भी किए जाते हैं उस तरीके से जिस तरह? बहुत वादे करते हैं, बहुत वादे करते हैं, ऑन स्क्रीन ऑडियंस बैठी है, हमारी यूथ बैठी है, वो बहुत वादे करते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये फंडिंग करेंगे, आपको ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, वो प्रोग्राम हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया, वो अपने घर चले गए, अब यूथ हमसे कॉल करके या हमसे इंटरेक्ट करती है कि ये मैटर था, वो अपने वादे से फिर जाते हैं, वो उस बात को पूरा नहीं करते। ये चैलेंजेस बहुत सामने आते हैं कि लोग वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। सही, तो फिर इस तरह के वादे ना ही लिया करें तो अच्छी बात है, अपने उस पर डिपेंड करना चाहिए जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हैरान कुन बात ये है आयशा, जब से मैं आपके साथ बैठी हूँ कि इस बात से तो मैं आपके बहुत इंस्पायर हो रही हूँ कि आपने 2 साल पहले ये काम शुरू किया और उसके बाद आज आप जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं और ना सिर्फ यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करना,
खवातीन के एम्पावरमेंट की बात करेंगी आप, बल्कि आप बच्चों की भी बात करेंगी, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त एक और हमारी गेस्ट हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महनाज रहमान, रेजिडेंट डायरेक्टर औरत पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि NGOs जो है उनका क्या किरदार है इस वक्त पाकिस्तान में, ऐसे माशरे में जहाँ पे हम लोग हर एक को अवेयरनेस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम महनाज साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच महनाज साहिबा, आप इस वक्त कॉल पे मेरे साथ हैं और इस सीट पर भी आप मेरे साथ बैठ चुकी हैं। तो महनाज साहिबा, सबसे पहले तो आज जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की में NGOs के किरदार की, तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि इसका रोल क्या है असल इस वक्त NGOs का हमारे माशरे में। मैं समझती हूँ कि 80s में, यानी 80s के जो डेकेड में NGOs बनना शुरू हुई और इनका पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त औरतों की तरक्की और माशरे की तरक्की के लिए काम शुरू किया, जबकि माशरे में सियासी पार्टियों को बिल्कुल काम करने की इजाज़त नहीं थी, उनको एक फौजी आमरियत के तहत डिस्क्रेडिट कर दिया गया था। तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त NGO सामने आई और उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। सही, महना साहिबा, मैं जब चैलेंजेस की बात करती हूँ किसी भी तरफ से, खासतौर से NGOs को जो चैलेंजेस हैं, मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा सा उसे हाईलाइट करें, कौन से चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, पहला चैलेंज ये जो शुरू में आया और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर हमने काबू पा लिया है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों के दरमियान बहुत अच्छा रابطہ होना चाहिए, बहुत अच्छा तआवुन होना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए हुकूमत भी आवाम की भलाई के लिए काम करती है और गैर सरकारी तंजीमें भी आवाम की भलाई के लिए काम करती हैं। हुकूमत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास नहीं होता, तो इसलिए मैं शुरू से इस चीज़ की हामी रही हूँ कि हम हुकूमत की मदद करें और हुकूमत भी हमें अपना दोस्त समझे, हमें कोई अपना हरीफ ना समझे, क्योंकि मकसद दोनों का ये है कि असल काम हुकूमत का है और जहां वो समझती है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है उसे हमारी तरफ बढ़ना चाहिए और हमें उनसे तआवुन करना चाहिए। Exactly. मेरी तो यही राय है शुरू से। Exactly. महना साहिबा, आपने कहा कि 80s से आप जब ये काम शुरू हुआ है और NGOs सामने आई, आज तो बड़ी तादाद में, आप पहले तो आप उंगलियों पे गिन सकते थे NGOs को, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में और रजिस्टर्ड NGOs जो हैं काम कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि कहाँ पे हमें लैग कर रहे हैं हम लोग, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आज तक हुकूमत को हम ये नहीं समझा सके कि हम आपके हरीफ नहीं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ मिलके हमारे माशरे के लिए काम कर रहे हैं? जी, इस पे आहिस्ता आहिस्ता तो क्लैरिटी आ रही है। एक तो इसका बैकग्राउंड या पस मंजर ये रहा ना कि फौजी आमरियत का जमाना था और क्योंकि हम जमहूरियत के हक में हैं, NGOs जो है वो जमहूरियत के लिए आवाज उठाती हैं, हम गुड गवर्नेंस के हक में हैं, हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो शुरू में तो जाहिर है इस वजह से एक वो कशीदगी की फजा बनी कि हम जमहूरियत के हक में थे और उस वक्त आमरियत थी पाकिस्तान में। फिर ये हुआ कि वो औरतों के खिलाफ बहुत इम्तियाजी कवानीन भी उसी जमाने में बने, यानी बहुत तकलीफ दे सूरत हाल रही, तो उस सिचुएशन में जाहिर है बहुत मुश्किल था कि वो एक दोस्ताना माहौल होता है या मिलजुल के काम करते, क्योंकि वो तो जो इम्तियाजी कवानीन थे उन्होंने तो औरतों की और जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरी हैं उनकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। तो एक बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी और अभी भी पूरी तरह वो मनसूख नहीं हुए हैं, थोड़ी सी उनमें प्रोसीजरल चेंजेस कुछ में आई हैं, तो वो वाली एक लड़ाई तो चली चली आ रही। फिर ये कि माशरे में जो एक मजहबी इंतहा पसंदी अब आ गई है उसकी वजह से नए जो आप चैलेंज पूछ रही, तो मैं समझती इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मजहबी इंतहा पसंदी का है उससे और ये दहशतगर्दी का है। तो इस लेकिन अगेन कि ये दहशतगर्दी के चैलेंज को निमटने के लिए भी हुकूमत और NGOs को मिलकर काम करना चाहिए। मैं फिर यही सब तावुनी की बात करूंगी, कोऑपरेशन की बात करूंगी, क्योंकि हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे मासूम शहरियों को मारा जा रहा है, हमारी औरतों पे जुल्म हो रहा है, तो इसमें हुकूमत और NGOs को मिलकर काम करना चाहिए। सही महना साहिबा, एक सवाल जो मैं मुसलसल आपसे भी करती हूँ, अभी हमारे साथ जो NGO से ताल्लुक रखती है मिशन स्माइल से आयशा बैठी हुई है, वो भी उनसे भी मैंने पूछा कि एक जहन में एक सवाल है तमाम लोगों के, जब वो NGOs का नाम सुनते हैं या किसी फाउंडेशन का नाम सुनते हैं, किसी फलाई इदारे की बात करते हैं,
तो वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, ये एक छाप क्यों लग गई, इसको किस तरह खत्म किया जाए? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की अहम और बड़ी एनजीओस हैं, उनके जो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ऑडिट फर्म्स हैं, जो इंतहाई रिलायबल क्रेडिटेबल ऑडिट फर्म्स हैं, उनसे हमारा ऑडिट होता है, सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, और जो हमारी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स छपती हैं, उनमें सारे बजट और सारे अखराजात उसमें भी दिए जाते हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी को जितना मुमकिन बनाया जा सके, वो ऑडिट के जरिए, एवेल्युएशन के जरिए, हमारे एक्सटर्नल एवेल्युएशन भी होते हैं, इंटरनल एवेल्युएशन भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट वे ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट और एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग है, जो मुसलसल जारी रहती है। अब इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो जो लोग एतराज करते हैं वो हमें बता दें, क्योंकि हम तो बेहतरीन तरीकों पे अमल कर रहे हैं। सही, मना साहिबा, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन यहाँ पे जब आप बात करती हैं, आप जिस तरह आपकी एनजीओ है, फाउंडेशन है, इसी तरह और बड़े एनजीओ हैं, फाउंडेशन काम कर रही हैं, तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि आप जैसे बड़े जो एनजीओ फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं, ये जो हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा जो है इस वक्त कोई एनजीओ या फिर कोई फलाई इदारा खोल के बैठा हुआ है, तो इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जो कि इस कैटेगरी में लेके आए कि अगर कोई बड़ी एनजीओ है तो उसको उससे बिल्कुल अलग रखा जाए, कोई इस किस्म का सिस्टम होना चाहिए। क्या सोचती हैं आप इस पर, कोई आप लोगों की कभी बातचीत हुई इस पे? देखिए, मैं दो बातें करूंगी। पहली बात तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका काम बोलता है, राइट? ठीक है, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो वो लोगों को नजर आ जाता है। और दूसरी बात ये कि हर कोई ऐसे नहीं खोल सकता, वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जी। या तो आप ट्रस्ट बनाते हैं, या आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, या किसी दूसरे एक्ट के तहत आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो अगर आप रजिस्टर, जब गवर्नमेंट आपको रजिस्टर करती है, तो फिर जाहिर है कि आप एक कानूनी हैसियत आपकी होती है, और जो भी उसके कायद और ज़वाबित होते हैं उस पर आपको अमल करना होता है, और आप करते हैं। सही, तो यही तरीका है जाहिर। यानी कि इस तरह फिर आप जैसी जो बड़ी फाउंडेशंस हैं या इदारे हैं, उनको किस, उनकी साख को फिर नुकसान नहीं पहुंचता अगर सही उस पर रजिस्ट्रेशन कराई जाए। क्योंकि मैंने जो देखा, यह सवाल मैंने इसलिए भी किया मैना साहिबा आपसे, कि मैं देख रही हूँ कि आजकल मैं किसी फ्रेंड से मिलती हूँ, पता चलता है उसकी एनजीओ है, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि किस तरह है। आप उनसे जरूर पूछा करें अपने फ्रेंड से कि आपने रजिस्टर कहाँ कराई, किस एक्ट के तहत रजिस्टर कराई है, किस लॉ के तहत कराई है। क्योंकि इससे आप जैसी एनजीओ तो फाउंडेशंस को बहुत नुकसान पहुंचता है, आप लोगों की साख को, आप नहीं समझती? सही कह रही, लेकिन ये इस मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन करना तो फिर गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे कि जो उनके पास रजिस्टर नहीं है वो कैसे काम। इसमें कभी गवर्नमेंट ने भी कैंपेन्स चलाई हैं, और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उन्होंने एक्शन भी लिया जो कि रजिस्टर नहीं थी और वैसे ही सामने आ गई। बिल्कुल, मैना साहिबा आपसे लास्ट में मैं यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप एनजीओ को कहाँ खड़ा देख रही हैं, कि आप समझती हैं कि कहाँ पे ख्वातीन के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में मशगूल हैं, या कौन सा ऐसा इस वक्त स्टेप है जो आप लोगों को लेना है मज़ीद हमारे माशरे में, ख़ासतौर से ख्वातीन की अगर बात करें या बच्चों की बात करें, उनके लिए काम करने के लिए? देखिए, हम तो बुनियादी तौर पर एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, और सिंध के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी सिंध के लेजिस्लेटर्स को, कि सिंध में वैसे तो फेडरल लेवल पे भी पिछली हुकूमत में काफ़ी औरतों के लिए कवानीन बने हैं, तो ये एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन की लॉबिंग और कोशिशों के नतीजे में औरतों के हक में इतने कवानीन, 8-9 से ज़्यादा कवानीन बन चुके हैं। सिंध तो पहला नंबर है डोमेस्टिक वायलेंस में, सबसे पहले सिंध में कानून बना, जाहिर है वो एनजीओज की लॉबिंग ही के नतीजे ही में बनते हैं, लेकिन हम सिंध के लेजिस्लेटर्स को अप्रिशिएट करते हैं कि वो यूनैनिमसली औरतों के हक में कवानीन पास करते हैं। और जो आपने मुश्किल या चैलेंज की बात पूछी, तो अब वो ये है कि पास तो हो जाते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद के लिए जो सारे तरीके कार हैं उन पे अमल वो नहीं होता, जैसे रूल्स ऑफ बिजनेस बनते। हमारा मुतालबा ये है कि भाई जब आप कानून पास करते हैं फौरन उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाएं, उसके तहत आपको जो जो प्रोटेक्शन कमेटियाँ बनानी है या जो अपॉइंटमेंट्स करने हैं वो फौरन करें, ताकि वो कानून जो है फौरन नाफजुल अमल हो, और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरी है। उसमें हम एनजीओ पे भी जिम्मेदारी है, आप मीडिया पे भी जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट पे तो है ही जिम्मेदारी।
कि वो अवेयरनेस फैलाए कि ये कानून बन चुका है, अगर अब आप इसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जुर्माना होगा। लोगों को पता ही नहीं होता, इवन पुलिस को नहीं पता होता कि कोई नया कानून बन गया है, इवन जजेस को नहीं मालूम होता कि कोई नए कानून बन गए हैं। तो मेहरा साहिबा, आगाही फैलाना जरूरी है। एग्जैक्टली, तो मेहरा साहिबा मुझे लगता है एनजीओ को खुद ही ये स्टेप लेना पड़ेगा कि जब कोई कानून जो है वो सामने आए, लागू हो, तो वो उसकी अवेयरनेस भी फैलाएं, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी पंपलेट के ब्रोशर्स के थ्रू हो, या किसी भी जिसे कहना चाहिए कि मार्केटिंग के थ्रू हो, उन्हें करना पड़ेगा। आप ये समझती है कैसा आप लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा? देखिए, हम तो हमें लेना चाहिए, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि जब आप असेंबली में एक कानून पास कर लेते हैं ना, तो फिर तो आपके उन सारे लेजिस्लेटर्स की, सिंध असेंबली की जिम्मेदारी, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और वो सारे लोग जिन्होंने हाथ खड़े करके उस कानून के हक में वोट दिए थे, उन सबकी जिम्मेदारी, और बेशक हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें भी करना चाहिए, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट की। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मेहनाज रहमान साहब हमारे साथ थी। और बहरहाल ये हकीकत है कि ये गवर्नमेंट की, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो अगर कोई कानून लागू करता है आयशा, तो उसको पूरा भी किया जाए। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ मेहनाज साहिबा ने की। आयशा, एक बार फिर आपकी तरफ ही आती हूँ कि जब हम यूथ की बात कर रहे थे, और अभी जिस तरह इन्होंने ये बात की कि हमारे यहाँ कानून भी आ जाते हैं मगर वो कानून लागू नहीं किए जाते, अगर लागू हुए हैं भी तो उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो आयशा, मैं नहीं समझती कि इस वक्त मैं आपसे ये बात करूँ कि आप लोगों को वाकई स्टेप लेना चाहिए, इस तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल, जब आपने ये स्टेप लिया कि जब हुकूमत तालीम उसकी जिम्मेदारी है, सेहत उसकी जिम्मेदारी है, जब एनजीओ ने ये बीड़ा उठा लिया है, तो आप इस तरफ भी जाएं। नहीं, हमारी यूथ कर रही है काम, ये छोटी छोटी जो एनजीओज बनती हैं इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करती है, क्योंकि एनजीओ का काम प्रोटेस्ट करना है, वायलेंस को ख़त्म करना है, इंडिपेंडेंटली आवाज़ उठाना है। ह्यूमैनिटी के लिए बात हो गई आपकी, कोई गलत जा रहा है उसके लिए बात हो गई, लॉज के लिए बात हो गई, अगर कोई लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, बिल्कुल प्रेस क्लब्स पर जाकर हमारी यूथ आवाज़ उठाती है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट की ये बात तक ये बात पहुँचती है, क्योंकि अगर हम ही खामोश रहेंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? Exactly. ये एनजीओस का काम है, हमारे यूथ का काम है। इनफैक्ट एक छोटी सी मिसाल दूंगी, तो लॉस की बात हम साइड पर अगर करते हैं, छोटे छोटे काम है। अभी पीस वॉल सिस्टम हमारे कराची और पुरिसन में स्टार्ट हुआ, किसने किया? दे आर द यूथ। उन्हें एक अवेयरनेस हुआ कि क्यों ये इतनी गंदी है, आई एम कराची के नाम से। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने वो बोल के देखा, गवर्नमेंट को बोला नीटनेस का, बट उन्होंने फिर इम्प्लीमेंट करके दिखाया। ये एक आवाज़ उठाना ही था कि खुद से आप खड़े हुए और आप पूरे कराची को क्लीन कर रहे हो, तो यूथ उठा रही है। ये छोटी छोटी एनजीओज हैं, ये यूथ के तहत ये सारे मिल रहे हैं। इनफैक्ट इसमें हर एनजीओ मिल रही होती है इस काम के लिए, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे तो वो नहीं काम करी। जब अच्छा काम हो रहा है तो सारी एनजीओज आ रही होती है, इकट्ठे मिल के काम कर रहे हो, तो उस पर कोई ये नहीं होता ये कौन है और वो कौन है। तो हम गवर्नमेंट को तो अभी साइड पर हटा दें, बिल्कुल हमारी यूथ के साथ कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं होता। आप लोग क्या कर रहे हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए? सॉरी, ये जो क्या कर रहे हैं आपका यूथ एम्पावरमेंट के लिए? बिल्कुल, हम इनको प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, हम इनको फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं जो ये काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट मीडिया वर्ल्ड में आप लोग फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको लोन देते हैं, कोई इस तरह है, या बस आप लोग उनको कोई बिजनेस दे दिया कि आप स्टार्ट करें, उनको बिजनेस दे दिया, डू इट, और डिमांड नहीं होती? नो, क्योंकि देखिए आप यूथ को एक अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं, और हमारा काम यही है कि हम यूथ को एक जगह एक विजन दें कि उनका क्या रोल है बींग अ पाकिस्तानी, उनका एक रोल है कि उसके लिए भी तो आयशा को एक आश्चर्य होता होगा कि ये इसको डिजर्व करता है, तो हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनमें क्वालिफाइड होते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं, स्क्वाड लीडर्स बनते हैं, हमारी हर यूनिवर्सिटी में 3-4 स्क्वाड लीडर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो इस बारे में काम कर रहे होते हैं। कराची में माशाल्लाह बहुत यूथ काम कर रही है, आप देखें तो किसी का आश्रय नहीं कर रहे थे कि उसको करना है, उसको करना है, खुद खुद खड़ी हुई है, वो रोड्स भी क्लीन कर रही है, वो दीवारें भी साफ कर रही है। इनफैक्ट जैसे अभी एपीएस के और इस तरह के जो हमारे बच्चों को शहीद किया गया, यूथ ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई, यूथ ने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया, तो यूथ इंडिपेंडेंटली माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मिशन स्माइल जी, ये सिर्फ कराची के लिए काम कर रहा है या ओवरऑल सिंध में? ओवरऑल सिंध डिवीजन। कहाँ कहाँ आपके ऑफिसेज हैं? हमारा मेन ऑफिस जो है यहाँ गुलशन इकबाल है, कराची में है, उसके बाद हैदराबाद में है, नवाबशाह में है, लाड़काना में है, मीरपुर खास में है, तंदुलियार में है। तकरीबन हमारे 9 जो ऑफिसेज हैं वो डिफरेंट डिवीजन्स में हैं जो इसके लिए काम कर रहे होते हैं। सही, अभी फर्दर आप लोगों की क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? क्या आपने प्लान रखा हुआ है कि यूथ के लिए काम करना है या सिर्फ खवातीन और बच्चों पर फोकस रखना है?
ये तीनों ही काम साथ चलाने हैं और इंशाल्लाह मैंने काफ़ी एड्स प्लान किए हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। मैं चाहती हूँ इन सबको एक प्लेटफॉर्म कराची में दिया जाए, वो आकर यहाँ उनके बच्चे यहाँ आकर पढ़ें। उसके लिए कुछ एड्स प्रोग्राम्स हैं और इंशाल्लाह वो मैं मुकम्मल करूँगी। हमारी पूरी टीम उसके लिए काम कर रही है, कुछ अच्छी फंडिंग्स के लिए हमने बात की है, वो इंशाल्लाह रायगा मलाएगी। एक काम जो मैं यूथ के लिए हमेशा करती हूँ, वर्कशॉप्स करवाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। ठीक है जी, बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना हमारा काम है, कोई बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। देखिए आजकल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस है कि आप घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। एक फोटोग्राफी से पढ़े लिखे हैं तो उस पे तो और ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और जितने आप बड़े एंटरप्रेन्योर्स को ले, वो कुछ भी नहीं थे, विद इन अ टू इयर्स माशाल्लाह वो बिलियनेयर्स हुए, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेटजी के साथ काम किया, प्लानिंग के साथ काम किया। जरूरी नहीं होता कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पैसे के साथ ही कर सकते हैं। यूथ के पास अगर कोई टैलेंट है, कुछ है, तो हम उनको ऐसा लोन या इन्वेस्टमेंट देते हैं कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करो और आप सक्सेसफुल बन के दिखाओ। ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और इंशाल्लाह। तो आयशा, मैंने इससे पहले भी आपसे शायद प्रोग्राम के दरमियान सवाल किया था कि वो यूथ या वो बच्ची जो आगे पढ़ना चाहती है, वो आपसे किस तरह कॉन्टेक्ट करे, वो कौन से नंबर पर आपसे लिंक कर सकती है, या कोई ऐसा नंबर है या कोई आपका ई मेल एड्रेस है जो आपने प्रोवाइड किया, या स्माइल मिशन के नाम से आपको सर्च करें तो आप मिलते हैं। हमारा सर्चिंग पे भी है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हैं, अगर आप ऑन स्क्रीन चलाना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन भी चला सकते हैं हमारी जनरल नंबर्स को, इस तरह वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो 9 इदारे हैं, इनफैक्ट आपका बिजनेस लॉन्च है, इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ। चलें, गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आयशा, लास्ट में बस आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं कि एनजीओ जो हैं क्या वाकई एक अच्छा किरदार अदा करें? आप बेशक, वही बात है कि जो अगर कोई अपनी चीज की तो कोई बुराई नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी की जब बात करती हैं, आपने क्योंकि बहुत अच्छी बात की, आपने देखा कि बहुत सी ऐसी एनजीओ हैं जो अपना काम नहीं सही तरह करें, तो आप लोगों ने उनके जाके ना सिर्फ उनसे बात की बल्कि उनके लिए काम किया। आप समझती हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत डायनेमिक रोल है इस वक्त एनजीओस का? बिल्कुल रोल है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं एनजीओस। जो बात कही जाए वो यूथ के लिए काम कर रही हैं, ख्वातीन के लिए काम कर रही हैं, किसी ने इतना काम नहीं किया। ठीक है, कुछ हर जगह थोड़ा बहुत गलत होता है, मतलब आप रॉन्ग पर्सन भी हो जाते हैं कुछ, लेकिन ये गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया है अलाउ कि अगर कोई पैटेंट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर जो है उनको बंद करवा दी जाती है। इनफैक्ट हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं ऐसी बहुत सारे इदारों के लिए जो बगैर रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं या वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनका फंडिंग कहीं नज़र नहीं आती। तो डिफरेंट एनजीओस पे भी केस करती होती हैं, मतलब जहाँ आपको काम नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच आयशा, अब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और ख़ास तौर से ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आयशा इस हवाले से कि यूथ के लिए आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, और क्योंकि जब भी किसी एनजीओ से हम किसी को बुलाते हैं, कोई सीईओ या को सीईओ आता है, तो लगता है कि वो बहुत सीनियर और बहुत अरसे से काम करते चला है, लेकिन 2 साल में आपने काफ़ी आगे तक ले गए हो, इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएंगी। बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। नाज़रीन, यही बात कि अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी काम शुरू करें तो उसकी मिसाल आपके सामने आयशा हैं, जिन्होंने मिशन स्माइल के नाम से अपनी एनजीओ बनाई और आज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।